ये काल भगवान 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, वहां एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप सवता गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहां तड़फते हैं बुरी तरह तपतशिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा तमाकू शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है, उसको वहां गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बड़ी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है, लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको जो स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है।